आगरा जिले में एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चुनाव लड़ता है, लेकिन जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए। इस प्रत्याशी का नाम हसनू राम अंबेडकरी है, जो खेरागढ़ का रहने वाला है। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का यह व्यक्ति चुनाव लड़ चुका है और अब लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। हसनू राम जिला मुख्यालय पहुंचा और फतेहपुर सीकरी से 99 और आगरा सुरक्षित सीट से 100 नामांकन पत्र खरीदा, यानी इस लोकसभा चुनाव में यह हारने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। हसनू ने इस बार फतेहपुर सीकरी से 99 और आगरा सुरक्षित सीट से 100 नामांकन पत्र खरीदा है। उसका कहना है कि जीतने के लिए तो सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो हारने के लिए चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने का कारण भी अजीबोगरीब है। उसका कहना है कि वह बामसेफ में था, चुनाव लड़ने के लिए उसने आग्रह किया तो बामसेफ के लोगों ने कह दिया कि तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी ही नहीं जानती, वो ही वोट नहीं देगी तो चुनाव लड़कर क्या करोगे। जी, नामांकन प्रपत्र मैंने लिए हैं, 18 लोकसभा एवं 19 लोकसभा, ये दोनों ही लोकसभा से लिए हैं। उससे पहले मैं 98 इलेक्शन फाइट कर चुका हूं, जो विभिन्न विभाग एवं विभिन्न पदों से संबंधित रहा। क्या कारण है चुनाव लड़ने का? कारण केवल मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि सारे लोग जीत की दावा करते हैं और जीत के लिए लड़ते हैं। मैंने ये प्रण रखा है कि मैं चुनाव हारूंगा। क्या हुआ घटना, क्यों ऐसा सोचा आपने? ये मेरी सोच है, व्यक्तिगत सोच है। संविधान अमीन पद पर कार्यरत था, आगरा जिला यूनिट का संचालक था बामसेफ का, तो उस समय मेरी नौकरी से रिजाइन दिलवा दिया। उसके बाद जब मैंने टिकट मांगा तो बीएसपी के लोगों ने ये कह दिया कि तुम्हें वोट कौन देगा, तुम्हारी लुगाई तुम्हें जानती नहीं है। इस बात को मद्देनजर बामसेफ ने मेरे साथ जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, बामसेफ ने ही मेरी नौकरी से रिजाइन दिलवाया और बामसेफ ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, मुझे टिकट नहीं दिया। उस समय से मैंने ये ठान लिया कि मैं चुनावी लड़ूंगा। अब जहाँ तक है, आज भी एवं अन्य रिकॉर्ड में बामसेफ बीएसपी से बामसेफ बीएसपी उत्तर प्रदेश और राष्ट्र में हो सकती है, लेकिन मेरे चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड संपूर्ण विश्व में जा रहा है। 98 लड़ चुका हूँ, आज 99 के लिए दावेदार उम्मीद क्या हार की।